Assalamu alaikum everyone. Welcome. I am Mughis Akram and you are watching Tally Medical Education. हम Behavioral Sciences के Section B को continue करेंगे. अच्छा जी, पिछली वीडियो में जो हमने चीज डिस्कस की थी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उस वीडियो में मैंने मिस कर दिया था वो ये है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट शुड बी बेस्ड ऑन एम्पैथी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक चीज होती है सिंपैथी और एक चीज होती है एम्पैथी. जो सिंपैथी है वो मेडिकल प्रोफेशनल के लिए इलीगल चीज है और जो एम्पैथी है इस पे जो प्रोफेशनल एक्टिविटीज हैं इस पे बेस करनी चाहिए. इसका मतलब क्या है सिंपल अल्फाज में? ये मतलब है कि आपने खुद को पेशेंट की जगह रख कर ट्रीट करना है. अब इस सिंपैथी का मतलब ये नहीं है कि दोस्ती फ्रेंडशिप नहीं होनी चाहिए या फिर कोई शफकत अफेक्शन का ताल्लुक नहीं होना चाहिए, प्यार मोहब्बत का ताल्लुक भी नहीं होना चाहिए, बल्कि ये इसलिए होनी चाहिए कि बंदा उस वक्त जो है एक प्रोफेशनल आदमी वो पेशेंट की उस मुसीबत को समझे, उसकी परेशानी को समझे और उसको उसकी परेशानी की जगह खुद को अपने आप को रख कर फिर ट्रीटमेंट करे. ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट थी. उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉफ का क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पेशेंट. जाहिर सी बात है कि जहां पेशेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उसी तरह पेशेंट के कुछ राइट्स भी होंगे, ये दोनों चीजें होंगी तो फिर काम चलेगा. पहले हम चीज डिस्कस करते हैं कि राइट्स ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के कौन से राइट्स हैं. ये कोई 12-14 पॉइंट्स हैं, ये आप देख लें कौन कौन से हैं. नंबर वन, पेशेंट का ये हक है कि उससे इन्फॉर्म्ड कंसेंट लिया जाएगा, उससे इजाजतनामा लिया जाएगा जिसके अंदर हर चीज होगी. उसको बीमारी के बारे में बताया जाएगा, उसके साइड इफेक्ट्स, उसके बेनिफिट्स, सेकंड ओपिनियन के बारे में बताया जाएगा, ये सारी चीजें फलां फलां फलां, ये इन्फॉर्म्ड कंसेंट में इन्वॉल्व होंगी. सेकंड जो उसका हक है वो ये है कि वो किसी भी किस्म अपना जो इजाजतनामा है उससे वो पीछे हट सकता है, विदड्रॉ कर सकता है. तीसरी चीज, हमेशा अक्सर यूज होता है कि जो पेशेंट होता है उसका जो डाटा होता है क्लिनिकल डाटा उसको एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और कानूनन ये पेशेंट की इजाजत के बगैर नहीं किया जा सकता. अगर वो रिसर्च पर्पस के लिए अपना क्लिनिकल डाटा यूज होने नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि नहीं होगा. चौथी चीज इसमें है कि वो सेकेंड ओपिनियन ले सकता है, ये उसका राइट है. पांचवी चीज कॉन्फिडेंशियलिटी, मासवाय वो चंद एक वजूहत जिनकी बुनियाद पर वो कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच किया जा सकता है, उसकी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जाएगा, ये उसका हक है. छठी चीज, वो किसी भी वक्त हॉस्पिटल को छोड़कर जा सकता है, यानी ट्रीटमेंट के दौरान भी छोड़कर जा सकता है, मासवाय चंद एक सिचुएशंस के. किसी किस्म की इंफेक्शियस डिजीज है अगर या फिर सर्टन साइकेट्रिक प्रॉब्लम है पेशेंट को तो इस सूरत में वो हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जा सकता, अदरवाइज वो छोड़कर जा सकता है. उसके बाद है जनाब कि उसको ट्रीट किया जाएगा केयर के साथ, कंसिडरेशन के साथ, डिग्निटी के साथ, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू नहीं किया जाएगा. अगली चीज है जनाब के रिक्वेस्ट मेडिकल फाइल्स फ्रॉम द डॉक्टर. जो पेशेंट है उसका हक है कि वो डॉक्टर से अपनी मेडिकल फाइल का मुतालबा कर सकता है कि मुझे फलां मेडिकल फाइल मेरी दी जाए जिसमें सारी डिटेल्स मेंशन हों. उसके बाद वो लीगल एडवाइस ले सकता है अपने ट्रीटमेंट के हवाले से, वो डॉक्टर से ले सकता है, किसी और मेडिकल प्रोफेशनल से ले सकता है. उसके बाद जनाब ये भी उसका हक है कि वो अपने रابطہ कर सकता है अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने मेंबर्स जो उसके रिलीजियस फेथ के हवाले से उसके मेंबर्स हैं और जो एज अ गार्डियन हूं वो अपने ट्रीटमेंट के दौरान उनसे रابطہ कॉन्टेक्ट कर सकता है. उसके बाद वो अगर चाहे कि उसका अगर कोई बच्चे हैं तो वो चाहे कि वो अपने बच्चे को साथ स्टे करवाना चाहे, मासवाय वो चंद इमरजेंसी वाली सिचुएशंस में कि मेडिकल रीजंस की वजूहत पर अगर कोई ना उसके करीब आ सकता हो तो उसके अलावा वो मुतालबा कर सकता है. और आखिरी चीज है कि इन्फॉर्म नर्सिंग स्टाफ इफ ही या शी वॉन्ट्स टू और डज नॉट वॉन्ट टू सी या स्पीक टू अ विजिटर, कि अगर वो ये चाहता है कि कोई उसे मिलने ना आए ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर ट्रीटमेंट तो कोई विजिटर उसको, अगर वो इस चीज से डिस्टर्ब हो रहा है कि कोई उसे मिलने ना आए तो ये उसका हक है कि वो तन्हाई का मुतालबा कर सकता है. ये थे उसके सारे के सारे राइट्स. अब हम देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. इतने अगर वो राइट्स ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं. पहली चीज ये पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसका फर्ज है कि वो मेडिकल हिस्ट्री को जानता हो, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ठीक ठीक जानता हो. कहते हैं ना कि जो पेशेंट है, एक पेशेंट अगर वो डॉक्टर को अपनी मेडिकल हिस्ट्री नहीं सही दे रहा तो उसमें उसका अपना नुकसान हो रहा है.
तो पहली बात यह कि उसको अपनी मेडिकल हिस्ट्री नाउन होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। दूसरी चीज यह है कि जो अपॉइंटमेंट्स उसने ली हैं डॉक्टर से उसको रेगुलर चेकअप करवाएगा, टाइम पे विजिट करेगा, टाइम पे चेकअप करवाएगा। तीसरा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो उसको ट्रीटमेंट एडवाइज किया गया है, जो उसको दिया गया है, वो उसको पूरा करेगा। ये नहीं है कि कभी दिल किया तो गोली खा ली, कभी दिल किया तो नहीं खाई, कभी दिल किया तो इंजेक्शन लगवा लिया, कभी छोड़ दिया, सुबह खा ली शाम को नहीं खाई, इस तरह वो नहीं कर सकता। चौथी चीज है कि वो इन्फॉर्म कर सकता है डॉक्टर को इफ दे आर रिसीविंग द ट्रीटमेंट फ्रॉम अनदर हेल्थ प्रोफेशनल। अगर वो साथ साथ किसी और हेल्थ प्रोफेशनल से भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने डॉक्टर को बताए कि मैं फलां जगह से फलां दवाई भी साथ खा रहा हूं। पांचवी चीज ये है कि जो उसने चार्जेस पे किए हैं अपने ट्रीटमेंट के, उसको एक तो टाइम पे अदा करने चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, वो ये जानने का हक रखता है कि उसके चार्जेस किधर किधर खर्च हो रहे हैं, फलां मतलब फाइनेंस के हवाले से वो ठीक हो। और छठी और आखिरी चीज ये है कि जनाब कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ मैनर विच विल नॉट इंटरफियर विद द वेल बीइंग और राइट्स ऑफ द अदर पेशेंट्स और स्टाफ। जनाब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो हॉस्पिटल का अदर स्टाफ है और जितने भी ये दूसरे मामलात हैं वो उनको डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।